तुलसीदास जी से पहले कई संतों और साधुओं ने हनुमान जी की श्रद्धा से स्तुति लिखी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले हनुमान जी की स्तुति किसने की थी? जब हनुमान जी लंका का दहन कर रहे थे, तब उन्होंने अशोक वाटिका को इसलिए नहीं जलाया क्योंकि वहां सीता जी को रखा गया था। दूसरी ओर उन्होंने विभीषण का भवन इसलिए नहीं जलाया क्योंकि विभीषण के भवन के द्वार पर तुलसी का पौधा लगा हुआ था। भगवान विष्णु का पावन चिन्ह शंख चक्र और गदा भी बना हुआ था। सबसे सुखद तो ये था कि उनके घर के ऊपर राम नाम अंकित था। यह देखकर हनुमान जी ने उनके भवन को नहीं जलाया था। विभीषण की शरण याचना करने पर सुग्रीव ने श्री राम से उसे शत्रु का भाई व दुष्ट बताकर उनके प्रति आशंका प्रकट की और उसे पकड़कर दंड देने का सुझाव दिया था। हनुमान जी ने उन्हें दुष्ट की बजाय शिष्ट बतलाकर शरणागति देने की वकालत की। आप लोग विभीषण को देखकर अपना विचार प्रकट कर रहे हैं, आप मेरी ओर देखें, मैं क्या चाहता हूँ? फिर कुछ देर हनुमान जी ने रुककर कहा, जो एक बार विनीत भाव से मेरी शरण की याचना करता है और कहता है मैं तेरा हूँ, उसे मैं अभयदान प्रदान करता हूँ। यह मेरा व्रत है, इसीलिए विभीषण को अवश्य शरण दी जानी चाहिए। इंद्र आदि देवताओं के बाद धरती पर सर्वप्रथम विभीषण ने ही हनुमान जी की शरण लेकर उनकी स्तुति की थी। विभीषण को भी हनुमान जी की तरह चिरंजीवी होने का वरदान मिला हुआ है, वे आज भी सशरीर जीवित हैं। विभीषण ने हनुमान जी की स्तुति में एक बहुत ही अद्भुत और अचूक स्रोत की रचना की है। विभीषण द्वारा रचित इस स्रोत को हनुमान वड वानल स्रोत कहते हैं।